Hello everyone, my name is Daniel Rao and today I am going to give my presentation on economic transformation in India. Here's the content. Pehla topic hai introduction, fir main laga raha hu Indian economy during ancient time, Indian economy during Mughal period, then after Indian economy during British rule and Indian economy after independence. Then after I'm going to talk about तेजी से विकास होना चाहता हूँ।
185 BC. United most of the India subcontinent. The political unity and united security allowed for a common economic system and enhanced trade and commerce, which increased agriculture productivity. जब वॉरेन एम्पायर स्टार्ट हुआ उन्होंने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर पूरा भारत है उसमें ऑलमोस्ट पूरा कब्जा कर लिया था. इसका मतलब पूरा एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया था, जिसके कारण एक पॉलिटिकल यूनिटी और मिलिट्री सिक्योरिटी पूरे इस रीजन को मिली. जिसके कारण क्या हुआ कि जो कॉमर्स है और ट्रेड है उसको तो बूस्ट मिला, साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ी. आगे दी एम्पायर सेंट considerable resources building roads and maintaining them throughout India. The improved infrastructure combined with increased security granted uniformity in measurements and increased use of coin as a currency, enhanced trade. अब पूरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट को मॉरियन एम्पायर के अंदर आ चुका, जिसके कारण क्या हुआ कि जो मेजरिंग यूनिट्स थी उसकी एक यूनिफॉर्मिटी आ गई. मतलब एक ही टाइप का मेजरिंग जो टेक्निक था वो ऑल ओवर इंडिया में व्याप्त हो गया था. और साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा बिल्ड हुआ. और मॉडर्न एम्पायर ने अपनी मिलिट्री से ज्यादा रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में अपना पूरा ध्यान रखा. इसके बाद लिखा है बिटवीन फर्स्ट एंड द 17th सेंचुरी इंडिया इज एस्टीम टू हैव had the largest economy of the ancient and medieval world, controlling between one third or one fourth of the world's wealth. First से लेके 17th century AD तक जो world की economy है उसका one third से एक तिहाई से लेके एक चौथाई हिस्सा जो है वो इंडिया इंडियन इकोनॉमी के पास इतना इतना ज्यादा इंटरेस्ट था till medieval period. अब हम आते हैं इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग मुगल. मुगल पीरियड एक्सटेंड करता है 1526 से 1858. ड्यूरिंग मुगल पीरियड 1526 टू 1858 एडी इंडिया एक्सपीरियंस अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी इन हिस्ट्री. ड्यूरिंग मुगल पीरियड जो इंडियन इकोनॉमी है उसने बहुत रैपिड ग्रोथ देखा और बहुत रैपिड प्रॉस्पेरिटी. The gross domestic product of India in 16th century was estimated at about 25.1% of the world's economy. 16th शताब्दी के बाद इंडियन इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी की 25.1% जो पोर्शन है उसको होल्ड करता है. An estimate of Indian pre-colonial economy puts the annual revenue of Emperor Akbar's treasury in 1680 at €17.5 million. In contrast to the entire treasury of Great Britain 200 years later in 1880, which totaled €16 million. इस लाइन में मतलब क्या है कि ये लाइन एक्चुअली एस्टिमेट बता रहा है कि उस समय इंडियन इकोनॉमी कितनी ज्यादा इन्वेस्ट उस समय जो 1880 में ग्रेट ब्रिटेन की ट्रेजरी में जितना पैसा था जो कि है 16 बिलियन यूरो उतना अकबर अपने एक साल की रेवेन्यू में कलेक्ट कर लेता जो कि अराउंड था 17.5 मिलियन. इवन उससे ज्यादा वो कलेक्ट कर लेता था एक साल की रेवेन्यू में. आगे देखता है द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ मुगल इंडिया इन 1680 वाज एस्टिमेटेड एट अबाउट 24.3%. The world economy was second largest in the world. इसका मतलब ये है कि 1680 के अराउंड वर्ल्ड की 24.3% जो वेल्थ था वो इंडिया के पास था और उस समय वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड रैंक करता था इंडिया. इन 1780 वेल्थ ऑफ एम्परर औरंगजेब रिपोर्टेड एन एनुअल रेवेन्यू ऑफ मोर देन 100 बिलियन. इसका मतलब ये है कि जो एम्परर औरंगजेब थे उन्होंने वो 1780 में 100 मिलियन यूरो रेवेन्यू कलेक्ट कर मींस इन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन पे नया इतिहास रच दिया. इन 1880
प्रोविंसेस थे उनको वो खुद को नवाब बुलाते थे और जो साउथ के प्रोविंसेस जो बच गए थे वो खुद को निजाम बनाते थे. द ब्रिटिश इंपीरियल एम्पायर बिगन टू ग्रो इन इंडिया इन मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी. द फेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री सेट. जब 18th सेंचुरी के मध्य में ब्रिटिशर्स एंटर किए इंडियन इकोनॉमी में, मतलब एक ओल्ड ग्रिप रखना चालू किया, तब उस समय से इंडिया की इकोनॉमी का डाउनफॉल स्टार्ट. अब हम डिस्कस करते हैं इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश. ये पीरियड एक्सटेंड करता है 1750 से 1930. द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज पॉलिटिकली पावर ग्रेजुअली एक्सपेंड इन इंडिया फ्रॉम 1757 ऑनवर्ड्स. ह्यूज रेवेन्यू जनरेटेड बाय द प्रोविंसेस अंडर इट्स रूल ऑफ परचेसिंग इंडियन रॉ मटेरियल्स बाय सेटलर्स. जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी वो उन्होंने अपने पॉलिटिकल पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया. अराउंड 1757 तक उन्होंने सब्सटेंशियल जो जगह है उसको अपने अंडर रूल करना चालू कर दिया और वहां से बहुत सारा रेवेन्यू वो जनरेट कर. साथ ही साथ जो गुड्स निकलते थे, रॉ मटेरियल स्पाइसेस गुड्स जो मिलते थे उसको बाहर भी एक्सपोर्ट करना चालू कर. The colonial government used land revenue for waging wars in India and Europe, leaving little for development of India. जो revenue colonial government generate करती थी वो इंडिया में भी जब लड़ाई होता था रीजनल लोग और जो कॉलोनियल साइड है उनके बीच में जो लड़ाई होता था उसमें फंडिंग के लिए तो काम आता था. साथ ही साथ वो पैसा जो है ब्रिटिश उस समय ब्रिटिश भी अपने नेबर्स से लड़ाई करता था, कई सारे वॉर वेज करता था तो उसमें भी इस पैसे को डाइवर्ट करके वहां पास भी यूज किया था. इन शॉर्ट स्पैन ऑफ 80 इयर्स 1780 टू 1868 अंडर कॉलोनियल रूल इंडिया चेंज फ्रॉम बीइंग अ एक्सपोर्टर ऑफ प्रोसेस्ड गुड्स फॉर व्हिच इट रिवाइज्ड पेमेंट इन बिलियन टू बीइंग एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अ बायर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स. जस्ट 80 सालों में 1780 से 1868 तक इतने सिर्फ 80 सालों में इंडिया जो था जो कि पहले प्रोसेस्ड गुड को मींस बना हुआ जो गुड्स है उसको बाहर बेचता था, अब वो बाहर से जो बना हुआ गुड्स है खरीदना चाहता था और रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना चाहता था. इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि पहले इंडिया जो कॉटन से बने हुए कपड़े थे वो बाहर ब्रिटेन और बाकी के कंट्रीज में बेचता था. अब 80 सालों के बाद क्या हुआ कि अब वो बाहर से कॉटन कपड़े खरीदता है इंडिया और यहाँ से कॉटन स्पाइसेस और जो रॉ मटेरियल्स होता है उसको बेचना चाहता है. तो मींस अर्थ से फर्स्ट पे लेके आ गई थी इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिश कॉलोनी में ब्रिटिश रूल में. मोस्ट स्पेशली इन 1750s most fine cotton and silk was exported from India to markets in Europe, Asia, Africa. By 1850s, raw material which chiefly consisted of raw cotton, opium, indigo accounted for most of the Indian exports. 1850s के दौरान बहुत कुछ quality के बहुत high quality के cotton और silk हम लोग export करते हैं और 1850s तक आते आते हम लोग ओपियम कॉटन इंडिगो ये सबको एक्सपोर्ट करना चाहते थे. उसके बाद द रूथलेस एक्सप्लोइटेशन अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल कंप्लीटली डिवास्टेटेड इंडियन इकोनॉमी. इंडियन पॉपुलेशन वाज सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट फैमिन्स एट वन ऑफ द वर्ल्ड्स लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी सफर्ड फ्रॉम प्रीवियस मालन्यूट्रिशन एंड वाज लार्जली इलिटरेट. अब क्या हुआ था ब्रिटिश रूल इतना ज्यादा जुल्म करना चालू कर दिया था कि अब इंडियन जो पॉपुलेशन थी वहां पास हर साल एक फैमिन आता था, भुखमरी आता था. हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, बहुत सारे खाने के पर्याप्त सामान थे बट उस सामान को वो जबरदस्ती एक्सपोर्ट कर देते थे अपनी कंट्री में और जिसके कारण भारत में खाने का बचता नहीं था और उसके कारण जो फैमिन्स थी अकाल की जो सिचुएशन थी वो इंडिया में आना चालू हो गया और उसी के कारण जो
परसेंट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी का शेयर हमारे पास, मतलब पूरी तरह हम लोग एक्सप्लॉइट कर लिया गया था, मीन्स पूरी तरह खत्म कर दिया था इंडियन इकोनॉमी। फिर आता है इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये पीरियड एक्सटेंड होता है 1950 से 1990। आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल इन 1947 द प्रोसेस ऑफ रिबिल्डिंग द इकोनॉमी स्टार्टेड। 1947 के बाद जब इंडिया आजाद हो गया तो इंडियन इकोनॉमी को वापस खड़े करने के लिए तैयारी स्टार्ट। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान विच सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म यूएसएसआर मेड टू अ टूल फॉर डेवलपमेंट। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी केम इनटू इंप्लीमेंटेशन इन 1952। जो हमारी
उसके वजह से हम लोगों को थोड़ा सा हाई लेवल हम लोगों को लिए ड्यूरिंग द लेट 1980s इंडिया रिलाइड इंक्रीजिंगली ऑन बोरिंग फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस दिस ट्रेंड लेड टू अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन 1990 इन ऑर्डर टू रिड्यूस ड्यू लोन्स द गवर्नमेंट हैड नो चॉइस बट टू एग्री टू फर्दर मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन अब 1980s आ गया जो बाहर से लोग पैसे बहुत ज्यादा बोरो करना चालू कर दिए मींस बाहर दूसरे कंट्रीज से बहुत ज्यादा लोन लेके हम लोग अपनी कंट्री में डेवलपमेंट करना चालू कर दिए और हम लोग की इकोनॉमी जो है वो बहुत ही ज्यादा निर्भर हो गई थी इस पैसे के और 1990 के बाद पूरे वर्ल्ड रिसेशन में चले गए अब रिसेशन में चले गए तो फिर बाकी कंट्रीज ने बोला कि अब अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना हमारी जो मार्केट है आपकी जो इंडियन मार्केट है उसको आपको खोलना पड़ेगा हमें भी आपके मार्केट में इंटरेस्ट फ्रीली इन्वेस्ट करने देना होगा तो उसके कारण 1990 में इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज करने का सोचा है इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 1991 टू 2012 व्हाइल कमेंटिंग हिज फर्स्ट बजट इन 1991 डॉक्टर मनमोहन सिंह हैड टोल्ड विक्टर ह्यूगो एंड सेड नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइमलेस कम द इमर्जिंग ऑफ इंडिया एज ए मेजर इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड हैपेंड टू बी वन सच आइडिया 1991 में अब इंडिया को लिबरलाइज करना स्टार्ट किया गया लेकिन सरकार ने भी डिसीजन ले कि अब इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह दैट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर और उन्होंने जब बजट का अनाउंस कर रहे थे तो उन्होंने विक्टर ह्यूगो करके व्यक्ति ने मतलब के लिए उनका एक लाइन नोट किया कि ऐसे आइडिया का जिसका समय आ चुका है उस आइडिया को कोई नहीं रोक और ये आइडिया जो है कि इंडिया इज गोइंग टू वर्ल्ड्स मेजर इकोनॉमी इस आइडिया को भी आप कोई नहीं रोक The GDP has grown from US dollar 267.52 billion in 1990 to US dollar 1.85 trillion in 2012. 1992 में हमारी जो इकोनॉमी का जो वर्थ था वो 267.52 billion था जो कि 2012 आते आते 1.85 trillion हो चुका था तो लिबरलाइजेशन की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो अराउंड 9-fold बढ़ चुकी है इंडियन फॉरेन ट्रेड रीच यूएस डॉलर 785 बिलियन 1990 तक हमारा जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट था बहुत लिमिटेड था तो अब 2012 आते आते हमारी जो फॉरेन ट्रेड जो है वो 785 ट्रिलियन तक था इंडिया मेजर इंडस्ट्रीज इंक्लूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेलीकॉम्युनिकेशन टेक्सटाइल केमिकल फूड प्रोसेसिंग स्टील ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग गुड्स सीमेंट माइनिंग पेट्रोलियम मशीनरी सॉफ्टवेयर एंड फार्मा उस समय की जो मेजर इंडस्ट्रीज थे इंडिया वो ये सारी है और मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें तो बोलते राइस व्हीट ऑयल सीड्स कॉटन जूट टी शुगर पोटैटोस कैटल शीप गोट पोल्ट्री एंड फिश इन 2011 तक इंडिया टॉप फाइव ट्रेडिंग पार्टनर्स आर चाइना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूनाइटेड स्टेट्स सऊदी अरेबिया एंड स्विट्जरलैंड ये पांच जो कंट्री थे वो 2011-12 में इंडिया के सबसे टॉप फाइव ट्रेडिंग पार्टनर्स दी कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिकेट्स द ह्यूज प्रोग्रेस मेड बाय इंडियन इकोनॉमी सिंस द इंडिपेंडेंस व्हेन इट वाज हमारी जो प्राइमरी सेक्टर थी वो 59% जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसका शेयर होल्ड करती थी 2011 आते तक वो अराउंड 16.1% भी रहे जो सेकेंडरी सेक्टर था जो 1950 से 51 में 13% का बस शेयर होल्ड करता था इंडियन इकोनॉमी वो 2011 में आ जाते
8.9% का जो शेयर है उसको होल्ड करना चाहते थे। टर्शियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर की अगर बात करें तो 1950 से 51 के बीच में 28% का शेयर होल्ड करते थे, जो कि लेवल में आते आते 59% का जो इकोनॉमी का जो शेयर था वो टर्शियरी सेक्टर। India's growth in the fourth quarter of financial year 2020 went down to 3% according to the Ministry of Statistics. जैसे COVID-19 pandemic hit किया, तो जो हमारी जो financial year 2020 की जो हमारी जो growth rate थी, वो 3.1% तक रही। India was also witness a pre-pandemic slowdown and according to the World Bank, the pandemic has magnified pre-existing risk of Indian economic outlook. इंडिया COVID-19 से पहले थोड़ा स्लो डाउन फेस कर रहा था। COVID-19 आने के बाद जो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ अभी धीरे धीरे जो नीचे जा रहा था, बहुत तेजी से नीचे। ड्यूरिंग द लॉकडाउन एन एस्टिमेटेड 140 मिलियन पीपल लॉस्ट एम्प्लॉयमेंट व्हाइल सैलरीज वर कट फ्रॉम मेनी अदर्स। जो लॉकडाउन के दौरान अराउंड 140 मिलियन लोग जो है वो रिपोर्ट किए कि हम लोग की जो जॉब है वो या तो चली गई या हमारी जो सैलरी है वो बहुत ज्यादा कम है। मोर देन 45% ऑफ हाउसहोल्ड्स अक्रॉस द नेशन हैव रिपोर्टेड एन इनकम ड्रॉप एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस। जो 45% जो इंडियन हाउसहोल्ड थे उन्होंने भी रिपोर्ट किया कि जो हमारी जो इनकम है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका पिछले साल। The Indian economy was expected to lose over 32,000 crore, equivalent to 380 billion or 4.7 billion in 2023 every day during the first 20 days of complete lockdown, which was declared following the coronavirus outbreak. Now, what happened? The Indian economy, COVID-19 lockdown, complete lockdown, उसके फर्स्ट 21 डेज में इंडिया को हर रोज 32,000 करोड़ का लॉस झेलना पड़ा, जो कि धीरे धीरे जाकर फिर उसको संभाल आएगा। अप टू 53% ऑफ द बिजनेसेस इन द कंट्री वर प्रोजेक्टेड टू बी सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड। सप्लाई चेन हैज बीन पुट अंडर द स्ट्रेस विद द लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन इन केस। इनिशियली देयर वाज अ लैक ऑफ क्लियरिटी what an essential is and what is not. Around 53% जो businesses थे और जो supply line थी उस पर बहुत ज़्यादा stress आना चालू हो गया था, क्योंकि complete lockdown हो गया था और क्योंकि lockdown की वजह से लोग जा नहीं सकते थे काम में, तो लोग नहीं जा रहे थे फिर काम कैसे। इसके वजह से जो supply line है जो businesses थे वो बहुत ज़्यादा stress था। और starting में ये decide government properly डिसाइड नहीं कर पाई थी कौन सी चीजें एसेंशियल है और कौन सी चीज कम एसेंशियल है, जिसके कारण बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ। द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस एन ओवरऑल इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज फॉर 20 लाख करोड़ इक्विवेलेंट टू 24 ट्रिलियन और
इसके वजह से